छाता क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने बीती रात क्षेत्र में 3 वारदातों को अंजाम देकर हजारों की नकदी पार कर दी, जिससे क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल है। छाता क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और छाता पुलिस इन चोरों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। इस बार अज्ञात साथी चोरों ने ब्लॉक संसाधन केंद्र छाता मथुरा से कंप्यूटर, प्रिंटर, इन्वर्टर, सीपीयू, बैटरी और 3 कुर्सियों को चुरा ले गए। इस संबंध में जब ABSA संजय सिंह को मालूम पड़ा तो उन्होंने कार्यालय जाकर देखा तो वहाँ का ताला टूटा हुआ मिला और उन्होंने इसकी छानबीन की तो ब्लॉक संसाधन के पास बने एक मकान में राउंड चेयर मौके पर मिली, जिसकी सूचना छाता कोतवाली में दी गई। उसी रात चोरों ने दूसरी वारदात को गांव गुहारी में अंजाम दिया, जहां चोरों ने मंदिर में खड़ी टाटा 407 की गाड़ी से बैटरी को चुरा लिया। वहीं मंदिर से थोड़ी दूरी पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, उसकी बैटरी को भी अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। इसी तरह से एक ही रात में 3 वारदातों को अंजाम दिया गया। सर बताएं, यहां पर BRC का क्या घटना हुई? आज सुबह जब 10 बजे मैं ऑफिस पहुंचा, उस समय जो है हमारे कर्मचारियों ने जो ऑफिस का ताला तो खोला तो देखा कि ऑफिस का आगे से दरवाजे इस तरफ से ताला तोड़ के अंदर कई सामान गायब मिले, अस्त व्यस्त सामान मिला। फिर उसमें जांच की छानबीन की हम लोगों ने तो पाया कि 3 रिवॉल्विंग चेयर्स हमारी, कंप्यूटर सिस्टम, उसका इन्वर्टर, बैटरी और प्रिंटर, ये सभी सामान जो है नहीं मिले इसमें। आसपास मैंने छानबीन करी, हमारे कर्मचारियों ने छानबीन किया, पड़ोस में जो एक मकान है जिसमें बहुत से किराएदार रहते हैं, उसके एक कमरे में हमारी एक रिवॉल्विंग चेयर मिली। इसके संबंध में हमने थाने में अवगत करा दिया है, उसके FIR भी दर्ज करा रहे हैं और 2 कांस्टेबल भी जांच करने के लिए आए थे, जांच करके वो चले गए। अब आगे की कार्रवाई के लिए हमने थाने में लिखा है। क्या यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड विभागीय रूप से तो नहीं है और पहले भी अराजक तत्व जो है अक्सर यहाँ पे विद्यालय और कार्यालय के बंद होने के बाद अराजक तत्व यहाँ पे घूमते रहते हैं। शराबी टाइप के लोग जो है यहाँ कार्यालय परिसर में रात में पता चलता है कि लोग घूमते रहते हैं। हमें अंदेशा है कि ऐसे ही अराजक तत्वों का ये कार्य है। नहीं, कुछ दिन पहले BRC पे जूते चप्पलों में भी किसी ने आग लगा दी थी, तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखा गया? सिक्योरिटी गार्ड की अभी विभाग में इस तरह से व्यवस्था नहीं है और कार्यालय के कर्मचारी ही जब कोई विशेष सामान उस तरह का होता है तो हम लोग ड्यूटियाँ लगा देते हैं 4th क्लास की। इसके पहले स्वेटर हमारे यहाँ आया था, उसमें भी हमने ड्यूटियाँ लगा दी थी, इस तरह से कोई घटना नहीं हुई। पिछले साल जूतों वाले कमरों में वो तो दिन की घटना थी, वो चोरी की बात नहीं थी, वो भी किसी अराजक तत्व के द्वारा ही आग लगाई गई थी, उसकी भी हमने सूचना FIR कराई थी। लेकिन अभी तक इसकी मतलब बहुत आवश्यकता है सिक्योरिटी गार्ड की, इसके लिए भी हम विभाग में लिखेंगे।